बड़ा बढ़िया गीत सुने बाबूजी। बढ़िया भैया बढ़िया बढ़िया, एकदम ऐसे गीत बता दे पौराणिक प्रमाण से, हम एकदम पौराणिक प्रमाण से बताओ, अई माने वाली बात आ। भैया की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार हुए, नमस्ते भैया के। दिनेश भाई इलाहाबाद की तरफ से जय लोहिया, जय मुलायम सिंह, जय समाजवाद की 11 रुपया पुरस्कार है, बहुत बहुत नमस्ते भैया के हो। गुड्डू राम रजक प्रतापगढ़ की तरफ से 21 रुपया, नमस्ते भैया के। देखा बड़ा बढ़िया गीत भैया, आप सुने कि लड़का का ड्रामा हो गया, झूठे ने मतारी साथ दिया, न बाप साथ दिया, कौनों साथ न दिया, लड़का समझ गया कि दया धर्म में पुण्य में कितनी बात है। दिनेश कुमार यादव की तरफ से 21 रुपया, खुशी रहा बेटा। लड़का समझ गया कि सब कुछ माया का संसार है, एक ऐसे गीत प्रमाण दे हम पुराण से, और आज आके कलयुग में वो बात सिद्ध हो गई। ध्यान दे आप, छोड़ छोड़ दू गाना गा दे, जो उन्हें विजय लाल बताए ना है कि हमारे पास एक पुड़िया बा, पुड़िया माने हाउ लड़कवा बढ़िया बा, ये लड़कवा का जो ने एक गाना हो जाए तो दू गाना एकदम छोड़ छोड़ के सुनाई आपके, बतिया भाव समझ जा सब, और एकदम छोटा छोटा प्रयास करब कि आपका भरपूर मनोरंजन हो, लेकिन समझा पौराणिक बात है, ये तो साधु संत का बात चलते रहे, लेकिन देखा यहाँ साधु संत का कैसे बात हो, अब बता। रफ्तार है वो निमिक बर्फ देखो धरा पर गए, हाय नारद पमानों का उपकार है, देवी देवता में झगड़ा लगाते फिरे, लोग कहते कि नारद चुंगल खोर हैं, हाय देवर्षि में कितनी अच्छाइयां, शून्य से अचला तक उनका ही शोर है। ब्रह्मा के दरबार में नारद पहुंच गए बाबूजी, और भजन एक ही सुनावत है अपने मन का, आइए देवर से स्वागत है, आइए आइए भजन सुना रहे हैं, का सुनावत थी ए महाराज, आज आपका हमार मन बा की भजन सुनाई। इतने में बाबूजी शिवजी पधारे, इतने में विष्णु भगवान पधार दिए, तीनों देवता बैठे हैं, तीनों देवियां भी बैठी हैं, नारद जी एक भजन सुनावत थी, का सुनावत थी, अब वहीं आवत रहे महाराज, कहीं तो का हुआ, कहे उड़ी गई ले सुगना, अरे उड़ी गई ले सुगना, भजन का असली रूप जोन खंजरी पे बजा था, हमरे ढोलक का कमाल देखा कि उड़ी गई ले सुगना, अरे पिंजरावा का छोड़ के उड़ी गई ले सुगना, या बरगिया अरे बाप रे, तनिए का पढ़ दे भैया, इसे बोल दे, हम बोल दे,
बिरहा का शानदार मुकाबला विजयलाल यादव और गीता त्यागी 11 फरवरी के बाबूजी शिवड़ी में आप लोग सुनेंगे, आनंद मिलेगा। 101 रुपया पुरस्कार है बाबा यादव की तरफ से, बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। भैया की तरफ से, सेठ रेती वाले के भैया की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार है, बहुत बहुत मालिक की तरफ से सुखी रहे। राहत भाई सिद्धार्थ नगर की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार है, बहुत बहुत भैया का सलाम हो। उड़ी गई ले सुगना पिजरावा का छोड़ के, उड़ी गई ले सुगना। ब्रह्मा जी की तरफ से 51 रुपया सलाम भैया के। भगवान कहा परम आदरणीय आज के व्यवस्थापक जिन नारद जी, तीनों भगवान बैठे हैं, सबको प्रणाम करके क्या कहते हैं, हे महाराज तीनों जन से पूछत बाटी प्रभु जी एक सवाल, तीनों जन से प्यारा कौन, सबसे प्यारा कौन गैले संग छोड़ के, उड़ी गैले पिंजरावा का छोड़ के, उड़ी गैले सुगना। अच्छा जगदीश बहादुर, ये जैसे खंजरी बजा था इनकर हम बरही गाय रहे, हमरे आगे बुढ़ाए गए यह न हो। ये जगदीश कहाँ थोटी बाबू जी, खंजरी आप बजा के देखेंगे, हमारे जगदीश के ढोलक से मिली, कितनी बढ़िया बात रही। नारद भगवान पूछ रहे हैं तीनों भगवान से, तीनों देवियां बैठी हैं, कि हम आपसे पूछे चाहिए थी कि सबसे प्यारा दुनिया में कौन है। कहन कहें बोला भैया, अच्छा परमादरणी विजय तिवारी जी की तरफ से, इंजीनियर साहब टेलको कंपनी जोगेश्वरी, ये 201 रुपया पुरस्कार है, और 200 रुपया पुरस्कार, एक 201 रुपया पुरस्कार हमारे आज के सेठ जी, आज के ठेकेदार जी, हमन दोनों जन का मालिक साहब भाई राम नरेश रेती वाले सेठ जी, बहुत बहुत नमस्ते हो। कि हम आपसे पूछे चाहे थे कि दुनिया में तीनों लोक में सबसे प्यारी चीज कौन सी चीज होती है, हमें बतावा। ब्रह्मा जी आप बतावें, शिव जी आप बतावें, और नारायण आप बतावें, विष्णु जी बैठे हैं, कि सबसे प्यारी चीज दुनिया में क्या, पुराण की बात है बाबू जी, लिखित प्रमाण मिलेगा आपको, कोई साधु संत की वाणी नहीं है। साधु संत तो भगवान के बनाए ही होते हैं, हम सब उनके बनाए हुए हैं, बंदे हैं, लेकिन भगवान से नारद जी कहते हैं कि सबसे प्यारी चीज भगवान मैं जानना चाहता हूं, अभी अभी कुछ लोग रो रहे थे इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सबसे प्यारी चीज क्या है दुनिया में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, ब्रह्मा जी कहें कि बतावा नहीं, बड़ी बेइज्जती बा, बहुत बेइज्जती हुई। गिरिजा जी कहा था कि तुहों कुछ जाना था कि है भांगे घोटा था, तुहों बताइबा कि ना बताइबा। कहन सवाल वाला टेढ़ा फंस गई, कहा बताई हम कहा ना बताई। कहन कि सबसे प्यारी चीज गिर जाता हमार तू ही हो, तू ही का हम प्यार करी थी। कहन ले यह पूछा था नारद जी, हम ही तुहार प्यारी है, ये बता दे। कहन कि ब्रह्मा जी कहा थी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नाथ बतावा कि सबसे प्यारी चीज दुनिया में का होता। कहें जानू, कहन कहा, कहें खेती बाड़ी। कहें ना 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 ना। नारद जी कहे क्या विचार विमर्श हो रहा है नारायण। वही लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहते हैं कि आप भी जानते हैं कि क्या बताना है आपको। कहे जानी थी लक्ष्मी, बैठाई से बैठा हम बतावा थे। और क्या बताते हैं बाबूजी, जैसा भी आप गाना सुने के एक संत बताए थे
विष्णु भगवान तीनों भगवान क्या कह रहे हैं। नारद जी पूछे सबसे प्यारी क्या है, तो वह भगवान विष्णु जी कहे कि प्यारा विष्णु बोले जनवा, यह सबसे प्यारी जान हो तो महाराज। ए नारद जी, लेकिन ब्रह्मा जी खड़ा हो गए, तबले शिव जी खड़ा हो गए। अरे ब्रह्मा पूत बतावा, शिव जी बोले धनावा, प्यारा विष्णु बोले जनावा। ब्रह्मा कहते हैं कि सबसे बड़ा पुत्र होता है, और विष्णु जी शंकर जी कहते हैं कि नहीं महाराज, पुत्र बड़ा नहीं होता, सबसे प्यारा धन होता है, जिसके पास धन नहीं है कुछ नहीं है। विष्णु भगवान का नंबर लगा तो कहें कि भैया सबसे प्यारी अपन जान होता। नारद जी कहें कि ना 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 ना, तीनों देवता झूठ है, ये हम कब मानब कि हम अपनी आँख से देखब, हम अपनी आंख से देखब तो तर्जवा बदल गया कि तुझे प्यार करूं भरता भरता सिलवाजर चोली ये सब की। तीनों जन भेष बना हो बनाया गई ले बबुआ धरती पर, नारद जी कहें हम ले परीक्षा, नारद जी कहें हम ले अपनी बात का हुए प्रतीक्षा, अपनी बात का हुए वह देवता दिए नमस्कार मुस्कार आ गई ले देखा धरती पे। धरती पर पधारे हैं बाबूजी, 22 वर्ष शादी हुए हो गया है, दो प्राणी बैठे हैं, पति पत्नी रो रहे हैं, भगवान का पूजा कर कर हार गए हैं, एक भी औलाद नहीं है, एक भी औलाद नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ए भैया देखा ये रो रही, हम कहा था ना कि सबसे बड़ा पुत्र हो तो कहे हाँ, कहे हम एक प्रमाण दे थी। वह ब्रह्मा जी बाबू जी भगवान विष्णु से आज्ञा लिए कि इसको कहा हाँ इसके नसीब में पुत्र है दिया जाए। याद रहे दोस्त, जब विष्णु जी आज्ञा देते हैं तभी ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, इसलिए कि विष्णु जी पालनहार कहलाते हैं। वह जाके बाबूजी वो बजनी के कोख में तीनों देव खड़े हैं, तीनों देव खड़े हैं और क्या कहते हैं कि तुम दोनों प्राणी क्यों रो रहे हो। कहें गोदिया माये कोखिलल नहीं फूलवा, गोदिया माये कोखिलल नहीं, महाराज साय समय नहीं मोरे अनुकूलवा, साय समय नहीं मोरे अनुकूलवा। ब्रह्मा जी हंसे ठठाय हो ठठाय आ गई ले देखा धरती पे। और क्या कहा जी बाबूजी, कहा जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, मात्रो मात्रो तेरे एक पुत्र पैदा होगा, आज से तू अपन महीना गिनना शुरू कर दे। दोनों प्राणी में बड़ा प्रेम जमा किया, अरे इस अधुईया कैसे बोलत है, इस अधुईया तो बोल के चला के लड़किया हो ही कहन, 22 बरिस तो हो गए एकदम सब हिसाब किताब लहावत, एमुर से हमुर हमुर से हमुर, दुनिया का देवी देवता मनाई आई साधु संत का लड़का दे के चला गए बाबूजी। उन्हीं दिन मौसम करे अनुकूल हो गया बाबूजी, मौसम अनुकूल हो गया,
दोनों को सत्संग भवा, लहान बैठ गए। अरे लहान बैठ गए बाबूजी, धीरे धीरे ओकर वह दिन आएगा जब एक बेटा पैदा हुआ बाबूजी बझनी के कोख से, एक लड़का पैदा हुआ तो खुशी छा गई। जो कुछ उसके पास रहा बाबूजी लुटाने लगा, तो ब्रह्मा जी नारद से कहा, दिकस बेटवा बढ़िया हो था ना, पुत्र प्यारा होता है कि नहीं प्यारा होता, पुत्र पाए के देखा था सब कुछ लुटावे के तैयार है कहन के। नहीं नहीं महाराज, हमारे मन मन नहीं बसाई। लेकिन बाबूजी जब वो कंगाल हो गया तो शिव जी कहते हैं कि ना ना ना, ये तो गलत बात है, बेटवा का निरादर वहीं हो लगा बाबूजी कि कैसे पढ़ाई करे छोटी के गदे लावा हो, सब कुछ दिया ले लूटा, दुनाहु परानी भूखा भूखा घूमई लगले हो, मन राही रही के घबरा। बेटवा कहा था, वह बेटवा कहा था कि माई माई भोजन दे दा, कहीं चुप बैठ हुआ, हम हमारे पेट भरते नहीं, तोर पेट कहाँ से भरी, हम तोर पेट कहाँ से भरी। नारद जी कहे ब्रह्मा से, कस बेटवा प्यारा हो तो बेटवा बारे कुछ देख दे यार नहीं बे, तोर पेट कहाँ से भरी, माई कहा था, सब कुछ बेकार है महाराज बतावा। अब शंकर जी कहे रोक 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 रोक, वह बाबू जी शंकर जी माया फैला कर अपन सब अचल विचल कर दिए, अचल विचल कर दिए बाबू जी। देखते 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 वो आदमी बाबू जी इतना धनाढ्य हो गया, इतना धनाढ्य हो गया कि जिसका कोई हद नहीं, इतना धनाढ्य हो गया धनी। कहा देखा इधन में, कहे हाँ धन सबसे प्यारा होता है, हमने कहा था, आप कहते हैं कि बेटा सबसे प्यारा होता है, मैं कहता हूँ कि धन सबसे प्यारा होता है, देखिए हम धन दे दिए। विष्णु जी कहते हैं यही बात है ना, कहें हाँ, कहें कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, कहें नहीं। आओ भैया, अच्छा बाबू जरा स्वागत करते, ठेकेदार बाबू राजेंद्र सिंह मुन्ना सिंह के तरफ से ये दुई गो तिरंगा हमारे हिंदुस्तान का प्रतीक है, ये हमारा कौमी निशान है, जिसे आज राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन के सामने लहराए होंगे, तिरंगा ध्वजारोहण हुआ होगा, राष्ट्रीय गीत हुए होंगे। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर 105वें पुरस्कार है, इसी के साथ हम चाहेंगे कि बोले भारत माता की। यह बतिया है बाबूजी, धन धनी हो गया, गरीबी आई ठुकरा दिया बेटे को, धनी हो गया बाबूजी, तो भगवान विष्णु खड़े हैं, कहा कि देखा आपने धन सबसे प्यारा, कहे ना 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 ना, विष्णु भगवान बाबूजी माया फैला दिए, और कैसे माया फैला दिए, तर्ज लगा था बाबूजी कि यहाँ चरम दाग लागे, अरे यहाँ चरम दाग लागे, लाग कौन लक्षणा, चरम दाग लागे, लाग कौन लक्षणा, जन जब देसवा कमाई बद सजना, जन जब देसवा। विष्णु भगवान अइले आज, भगवान अइले देखो के अंगना, आज भगवान अइले देखो के अंगना, धीरे से बोला लिए बाप रे ललना, धीरे से बोला लिए आहा। बेटा से पूछे लागे हरि जी सवाल हो, बेटा से पूछे लागे, तोरा माई बाबू करें कितना ख्याल हो, तोरा माई बाबू करें, बालापन सुलाए हमके, बालापन सुलाए हमके यहाँ चरा के पालना, बालापन सुलाए हमके यहाँ चरा के पालना, धीरे से बोलाई लिए हरिया पललना।
भगवान विष्णु उस बच्चे से कह रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, शंकर जी देख रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि ले लो बेटा धन, कहा धन हमारे पास। ओ शंकर जी कहते हैं कि ले लो बेटा धन, हीरा मोती सर्फी उसके सामने करते हैं, कहा कि हमारे घर में है बाबा, हमारे घर में है बाबा। कहा नहीं लोगे, कहा नहीं। विष्णु जी कहते हैं कि ये भैया हम लोग तो बता दिए अपन बात की प्यारी चीज होता, लेकिन तू बतावा कि जान कैसे प्यारी होता। वही लड़का से कहा थी बेटा यहाँ बुला के अपने पास बुलाए, और अब कहते हैं कि तुम कान में कुछ करे कहे लड़का के कि अपने घर चल जाओ, और अपने घर चल जाना बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ सीधे जाना। सीधे लड़का जा रहा है बाबूजी, नाली पड़ी, नाली से गिरा और लड़का खत्म हो गया बाबूजी, लड़का खत्म हो गया। विष्णु जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि भैया कहे हाँ, कहन की जो लड़का आप दे रहे हैं खत्म हो गया। शंकर जी कहे हाँ, कहे हाँ खत्म हो गया। मतारी बाप के सामने कहा अरे अरे लड़का खत्म हो गया, लड़का खरीद ले सब कुछ कर डाला। आप परम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी सुल्तानपुर जिला की तरफ से 101 रुपए पुरस्कार है, बहुत बहुत प्रणाम है। कहा संपूर्ण धन खर्चा कर देंगे, सब कुछ लुटा देंगे अपने बेटे के लिए, बेटा मेरा जिंदा होना चाहिए। बाबूजी रो रहे हैं सबकी, बेटा मेरा जिंदा होना चाहिए। नारद जी कहा थे कि धन अपन खे के, ब्रह्मा जी कहा थे कि धन का भंडार भर दे भाई, धन का भंडार भर दे बेटवा उठ जाए। आई है कहा थी कि ब्रह्मा जी कहना कहनी पूत को उठा दे आप, ये पूत को उठा दे अगर पेटवा प्यारा होता तो। बाबूजी सब ठकरा मार गए, विष्णु जी प्राण ले ही लिए, विष्णु जी प्राण ले ही लिए, बेटा खत्म हो गया बाबूजी, बेटा खत्म हो गया। तीनों भगवान वही चल के वहां पर आते हैं। विष्णु जी कहेंगे आवा हम दिखा दे कि जान कैसे प्यारी होता। देखिए कलयुग में प्रमाण कैसे सिद्ध होता है दोस्त। थैंक यू मास्टर, और बढ़ जा, तनी आल्हा का भाव लग गा कि कवन हो चिड़ैया, तनी और बढ़ा मास्टर। आए कवन हो चिड़ैया जकरे तीन गो गदोरिया ये भैया, कवन हो चिड़ैया जकरे पांजर बबुआ पां, कौन हो चिड़ैया जकरे छत्तीस कर जबै भैया, कौन हो चिड़ैया जकरे बहत्तर बबुआ आँख, ई गाना में सवाल आ गया बाबूजी। आल्हा का गवैया सवाल कर रहा है एक गवैया से कि कौन चिड़ै ऐसी है जकरे तीन गदोरी, कौन चिड़ै ऐसी है जकरे पांच पांजर, कौन चिड़ै ऐसी जकरे छत्तीस करेजा, और कौन चिड़िया ऐसी जकरे बहत्तर आँखी। बाबूजी तो दूसरा कलाकार आल्हा का जवाब देता है, क्या जवाब देता है कि ढकवा चिड़ैया के तीन गदोरिया ये भैया, ढाक आप लोग समझे तो भाई छिउल जेके प्लास कहा थे टेसू, प्लास कहते हैं टेसू यानी धोई दे। देखी बराते में गए बाबूजी मेहरारू लागिन गावे दरोगा जी के बरात रहा है, उनके भाई के भी आ रहा है, हम के लेकिन कहे हैदर अली खा, हम कहा जो दिन गाई थी वह दिन खाई नहीं, हम कहा इसे रहा थे। दरोगा जी कहे नहीं चला यार बैठा भाई के, हमारे ब्याह है जना तोहरे भैया का ब्याह है। हम कहा चला भाई एक आध कचौरी खाई ले, जैसे बैठ गए कौनो मेहरारू का हमारा नाव बता दी है, वो हम इनका मुद्दा बना लेन भैया, मुद्दा बना के एकदम फिट लिस्ट में हमारा नाम आई गया। और शुरू में कहा दी हे हैदर अली, हम कहा अरे बाप रे,
हम कहा दरोगा जी कहन की गरी यार तोहार नाव के बताए दीहस। हम कहा हमका कहें बुलाओ थे भाई, हम बिरहा गाओ समझ से अपने वहीं थोड़ो न गाओ। तो बाबूजी मेहरून कहाँ गाव थी, हैदर अली सुना मोरी साड़ी का चार, मोरी साड़ी का चार। तब तक ठीक बा, मोरी साड़ी का चार, मोरा साया का चार। हम कहा दरोगा जी हम का हो थे का जाना था ना, अरे बाप रे नन ई साड़ी साया धोई ही बड़ी बेइज्जती भे भाई हम तो बहुत कुछ रे। हम कहा साहेब कहे मोरी साड़ी का चार, मोरा साया का चार, मोरे चसटर मा साबुन लगाओ साले, नहीं तो नौकरिया धराय देवा। का करें एक बार अंदर चला गा बा, कैसे बस में रही हैं, वाह मजा लेते हैं लोग, आनंद लेते हैं। यह बतिया कहें दरोगा जी से कहा, हम कहा अलग खा भाई तार भला भाई, नहीं तो तू अपन तो धोबे भाई हमारो धो उठी, जहाँ जहाँ साबुन लगवावत हैं कहें हैदर भाई एक बदला जरूर ले लिया भाई साहब। हम कहा अब एक बदला कैसे ले, गाय खड़ा हो गई गावे लगी, कहे नहीं जब नंबर लगे तो गाना हमारे बाबूजी परमादरणी श्री राम अवध कवि जी से था, राम अवध कवि जी से रहा बढ़िया बचवा। तो जब गाना का नंबर लाग और हम एक गीत जब सामाजिक गा बढ़िया बचवा बढ़िया, जब हम एक सामाजिक गीत गावे लगे तो हमारा नंबर लगा। हम कहा सुन ले ए मेहरारू, अरे बहुत गरियाए रही। हम कहा मोरी धोती का चार, फागुन का महीना रहा भैया, बड़ा हम हूँ खुदा पर हिसाब किताब से कुर्ता धोती सदरी जाड़े रहे। हम कहे लगे हम कहा सुना दरोगा जी खड़ा है, तमाम उनकर साथी सहयोगी तमाम ऐसाई लोग खड़े हैं कि जरा सा मजा वाली बात आ गई। हम कहा सुन ले बदला ले लेते ही। हम कहा मोरी धोती का चार, मोरी धोती का चार, मोरा कुर्ता का चार, मोरी धोती का चार, मोरा कुर्ता का चार, मोरे जैकेट मा साबुन लगाओ साली, नहीं तो बेलनवा थमाई देवा। यहाँ पर प्रयागराज लेकिन भैया भाव ही है ढकवा चिरैया के तीन गो गदोरिया ये भैया, अरे खचिया चिरैया के पजरिया होला पा, केलवा चिरैया के छत्तीस करे जवा ये भैया। जय प्रकाश प्रतापगढ़ के तरफ से 51 रुपया, नमस्ते भैया। चलन चिरैया के 72 हो लाया, आप लोग कुछ समझ ले ना भैया, चलनी चिरैया के 72 हो लाया। आदमी कहत नहीं कि सुपवा बोला तो सुपवा चलनिया बोला तो 72 छेद, यही बतिया पर कभी लिख दिया कि चलनी चिरैया के 72 होला आंग। बाबूजी विष्णु भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी साधु के रूप में कहते हैं कि लुटा दो अपना धन, दान पुण्य कर डालो, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। बाबू जी वह धनवा लुटाई दिहले भैले कंगाल भैया। अरे माई बाप रो भैया पान पीट के कपा,
ब्रह्मा कहा है की दूसार दई दे भाई पुतवा ये भैया ब्रह्मा कहा है की दूसार माई कहें झर से बाबूजी आपन तुमड़ी निकारे तुमड़ी में एक पानी और तुमड़ी में पानी निकाल के बाबूजी एक पुड़िया भगवान घोल दिए एक पुड़िया घोल दिए कहें देखा ये लड़का जिंदा हो जाए कहें कैसे जिंदा हो जाए कहें यही हो जहरवा जे पहले पी ले ये भैया तने ममाई देखा कैली न कार बपाई कहा कि हम ना ले भाई सपूत भाई भैया बपाई का नारजी भगवान का कर जय जयकार माया भगवान तबा पनिया का फेंकी दिहले माया भगवान मुरछित गदे लावा पे करें उपकार बाबूजी मुरछित गदेला पे जो लड़का मरा हुआ है मुरछित है वो करे ऊपर भगवान उपकार क्या कहते हैं उसको दिव्य ज्ञान दे दिए उसको दिव्य ज्ञान दे दिए कि दुनिया स्वार्थ की है बेटे दुनिया स्वार्थ की है बेटे देखा ना तेरे माँ बाप तुझको पलने में झुलाते थे सारी दौलत लुटा दिए तेरे पैदा होने पर आज वही माँ बाप जहर का एक प्याला नहीं पी रहे हैं जहर का एक प्याला नहीं पी रहे हैं बाबूजी लड़का सोच रहा है वह भगवान पानी छिड़क दिए ऊपर वह भगवान पानी जब छिड़क दिए बाबूजी तो उठ के लड़का बैठ गया उसे दिव्य ज्ञान हो गया तीनों भगवान सामने खड़े हैं सबको प्रणाम किया कि आप मेरे पिता ब्रह्मा जी कह के ना कहना आप तीनों मेरे पिता हैं आप सबका ज्ञान मुझे मिल गया तो मतारी बाप सोती का ज्ञान है के मिल गया मतारी बाप सोती क्या ज्ञान कहे यही मेरे पिता हैं कहने रे बेटा तीनों जन का पिता बनौबे तो तू कलंकी हो जाबे नारद जी कहा थी कि इतना बाप बनौबे तो कह दो कलंकी कही वह विष्णु भगवान बाबू जी खड़े हुए का कहा थी कि बेटे नारद जी की वचन खाली नहीं जाएगी तुम अवश्य कलंकी पैदा होगे जाओ मैं वचन देता हूं कहें बोला भगवान के सामने खड़ा है बाबू जी हाथ जोड़कर कि होई दूसरा जनमवा अरे होई दूसरा जनमवा तोहके बतलाई होई दूसरा जनमवा तोहके बतलाई अरे होई के देश मा कबीर कराई होई के देश में होबा देश में कबीर जहनमा गाई तोहार नाम होई कि दुनिया में तू कबीर पैदा होबा तोहार बाप मर जाई तू विधवा मतारी से पैदा होबा बाबूजी जैसा भी आपने सुना ना कि रामानंद गुरुजी बहुत कुछ ऐसे महंत हुए कि अच्छे अच्छे को ज्ञान दिया करते थे वो लड़का बाबूजी भ्रमा अपनी जिंदगी को पार किया जिंदगी के पार करने के बाद तमाम योनियों को भ्रमण किया भगवान तमाम जनियों को भ्रमण कराए बाबूजी पुनः उसे तमाम जनियों को भ्रमण कराने के बाद उसे ला के लहर तारा काशी में विधवा के गर्भ से बाबूजी उसे पैदा कर दिए भगवान वही लड़का कबीर कहलाया नारद जी घंटा बजा दिए बाबूजी अपन खास महाराज तो स्वामी गीतानंद कहें भुल्लुरता दिए कोतारी यादव राम यधार कहें कि जान सबसे प्यारी अरे प्यारा विष्णु बोले जनवा अरे इलाहाबाद में झूरा हैदर के भवनवा प्यारा विष्णु बोले तो पंपलेट में आप जानते हैं तो एक ही भाई पुड़ियवा बाकी भाई ना एक ही पुड़ियवा बाकी बा तो का एक पुड़ियवा के बड़े समय बचल बाबूजी आधा घंटा तक लड़किया के समय दे दे हम कहानी का नहीं ला गई फगुनावा हो